नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। हमें सरकार की जरूरत है बहुत बुरी तरह से। जो हमारे पास है नहीं, सांस हमारे हाथ से निकलती जा रही है, हम मर रहे हैं। हमारे पास ये जानने का भी कोई सिस्टम नहीं है कि जो मदद मिल भी रही है इसका इस्तेमाल कैसे हो पाएगा, क्या किया जा सकता है। अभी फौरन हम 2024 आने का इंतजार नहीं कर सकते हैं। मेरे जैसे इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कोई दिन आएगा जब हमें प्रधानमंत्री से किसी भी चीज के लिए याचना करनी होगी। निजी तौर पर मैं उनसे कुछ भी मांगने से पहले जेल जाना पसंद करती, लेकिन आज जब हम अपने घरों में, सड़कों पर, अस्पतालों में, खड़ी कारों में, बड़े महानगरों में, छोटे शहरों में, गांव में, जंगलों और खेतों में मर रहे हैं, मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर अपने स्वाभिमान को ताक पर रखकर करोड़ों लोगों के साथ मिलकर कह रही हूं, महोदय कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए, अब तो कम से कम कुर्सी से उतर जाइए। इस समय मैं आपसे हाथ जोड़ती हूं, आप कुर्सी से हट जाइए। यह संकट आपकी ही देन है, आप इसका समाधान नहीं निकाल सकते, आप इसे सिर्फ बद से बदतर करते जा रहे हैं। यह विषाणु भय व घृणा और अज्ञानता के माहौल में फलता फूलता है। यह उस समय फलता फूलता है जब आप बोलने वालों को प्रताड़ित करते हैं। यह तब होता है जब आप मीडिया को इस तरह प्रतिबंधित कर देते हैं कि असली सच्चाई सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ही बताई जाती है। यह तब होता है जब आपका प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। जड़वत कर देने वाले इस भयावह क्षण में भी जो किसी भी सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। अगर आप पद से नहीं हटते हैं तो हम में से लाखों लोग बिना किसी वजह के मारे जाएंगे। इसलिए आप अब जाइए झोला उठा के, अपनी गरिमा को सुरक्षित रखते हुए एकांतवास में अपनी आगे की जिंदगी सुकून से जी सकते हैं। आपने खुद कहा था कि आप ऐसी ही जिंदगी बसर करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग इसी तरह मरते रहे तो वैसा संभव नहीं हो सकेगा। आपकी पार्टी में ही कई ऐसे लोग हैं जो अब आपकी जगह ले सकते हैं। वे लोग संकट की इस घड़ी में राजनीतिक विरोधियों से मदद लेना जानते हैं। आरएसएस की सहमति से आपकी पार्टी का वह व्यक्ति सरकार का नेतृत्व कर सकता है और संकट प्रबंधन समिति का प्रमुख हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री गण सभी पार्टियों से कुछ लोगों को चुन सकते हैं जिससे कि दूसरी पार्टियों को लगे कि उनके प्रतिनिधि भी उसमें शामिल है। राष्ट्रीय पार्टी होने के चलते कांग्रेस पार्टी को उस कमेटी में रखा जा सकता है। उसके बाद उसमें वैज्ञानिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ, डॉक्टर्स और अनुभवी नौकरशाह भी होंगे। हो सकता है आपको यह समझ में नहीं आए, लेकिन इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। आप विपक्ष मुक्त लोकतंत्र की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं, वही निरंकुशता कहलाता है। इस विषाणु को निरंकुशता भाती भी है। अभी यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि इस प्रकोप को तेजी से एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या के रूप में देखा जाने लगा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। आपकी अक्षमता दूसरे देशों को हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का वैधता दे रही है कि वे कोशिश करके और मामले को अपने हाथ में ले लें। यह हमारी संप्रभुता के लिए लड़ी गई कठिन लड़ाई से समझौता होगा। हम एक बार फिर से उपनिवेश बन जाएंगे, इसकी गंभीर आशंका है। इसकी अवहेलना बिल्कुल ना करें, इसलिए कृपया आप गद्दी छोड़ दीजिए। जवाबदेही का यही एक काम आप कर सकते हैं। आप हमारे प्रधानमंत्री होने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। यह लेख द वायर इन हिंदी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। लेख अरुंधति राय जी द्वारा इंग्लिश में लिखा गया है। इसका अनुवाद हिंदी में जितेंद्र कुमार द्वारा किया गया है।